वेलकम पोके फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं चार्जर्ड एंड सिल्ड्रेस को। गाइस जो चार्जर्ड है वो फायर एंड फैंग के पोकेमोन है, ये कंतु रीजन का स्टार्टर पोकेमोन है। एंड जो सिल्ड्रेस है वो भी एक फायर टाइप पोकेमोन है एंड ये पोकेमोन बिलोंग करता है गलार रीजन से। गाइस चार्जर्ड के दो मेगा फॉर्म है, एक है मेगा चार्जर्ड एक्स एंड एक है मेगा चार्जर्ड वाई एंड वो जिगेंटामैक्स भी हो सकता है। एंड सिल्ड्रेस भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर टाइप स्टार्टर पोकेमोन है एंड ये भी जिगेंटामैक्स हो सकता है। एंड गाइस आज की वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्टार्टर पोकेमोन बेस्ट है। एंड गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, हम बिना वगैरह वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों पोकेमोन की वीकनेस की। पर जो चार्जर्ड है वो रॉक वाटर एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के खिलाफ कमजोर है एंड जो सिल्ड्रेस है वो ग्राउंड रॉक एंड वाटर टाइप पोकेमोन के खिलाफ कमजोर है। इस राउंड में दोनों पोकेमोन का टाई हो जाता है क्योंकि दोनों पोकेमोन की सिर्फ तीन ही वीकनेस है। एंड अब बात कर लेते हैं हम बेस स्टैट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जर्ड के बेस स्टैट्स की। तो चार्जर्ड की जो टोटल बेस स्टैट्स है वो है 534, उसकी एच पी है 78, अटैक है 84, डिफेंस है 78, स्पेशल अटैक है 109, स्पेशल डिफेंस है 85, स्पीड है 100। एंड अब बात करते हैं हम सिल्ड्रेस की। तो सिल्ड्रेस की एच पी है 80, अटैक है 116, डिफेंस है 75, स्पेशल अटैक है 65, स्पेशल डिफेंस है 75, स्पीड है 119 एंड टोटल है 530। सो गाइस इस राउंड में चार्जर्ड विनर होता है क्योंकि उसकी जो बेस स्टैट्स है वो सिल्ड्रेस से ज़्यादा है। एंड अब बात कर लेते हैं हम दोनों पोकेमोन की एबिलिटी की। सो गाइस चार्जर्ड की एबिलिटी है सोलर पावर। गाइस ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की एबिलिटी है। ये एबिलिटी पोकेमोन के स्पेशल अटैक को 50% तक ज़्यादा ताकतवर बना देती है, लेकिन ये हर टर्न में एक या दो HP का डैमेज झेलना पड़ता है पोकेमोन को। लेकिन फिर भी ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है क्योंकि अगर पोकेमोन का स्पेशल अटैक 50% तक ज़्यादा बढ़ जाए तो आप सोच सकते हो कि सामने वाले पोकेमोन को हराने में आसानी होगी। एंड जो चार्जर्ड है उसके पास बहुत सारे पावरफुल स्पेशल अटैक्स है, इसलिए वो सामने वाले पोकेमोन को आसानी से हरा सकता है। सो गाइस अब बात करते हैं हम सिल्ड्रेस की एबिलिटी की। तो सिल्ड्रेस की एबिलिटी है लिबेरो। जो लिबेरो एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की एबिलिटी है। अगर इस पोकेमोन किसी पोकेमोन ने उससे फाइट कर सिल्ड्रेस से फाइट करने से पहले जिस टाइप का मूव यूज़ किया होगा वो पोकेमोन उस टाइप में बदल जाएगा। लेकिन सिल्ड्रेस चार्जर्ड पे इतना असर हुआ नहीं क्योंकि जो चार्जर्ड है उसके पास ड्रैगन, फायर, नॉर्मल, फ्लाइंग ऐसे अटैक्स है, इसलिए चार्जर ड्रैगन, फ्लाइंग, फायर या नॉर्मल टाइप में कन्वर्ट होगा। एंड सिल्ड्रेस एक फायर टाइप पोकेमोन है इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन जो जहाँ देखे कि चार्जर की ब्लेज एबिलिटी है वो सिल्ड्रेस से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है भले एक दो HP कम करती हो हर टर्न में, लेकिन फायर टाइप मूव्स को 50% ज़्यादा ताकतवर बना देती है। तो आप सोच सकते हो कि फायर टाइप मूव्स कितना असर कम करेंगे सामने वाले पोकेमोन पर। इसलिए हमारे ये जो आखिरी राउंड है उसका जो विनर होता है वो है चार्जर्ड। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हम हमारे विनर की। तो गाइस हमारा जो विनर है वो है चार्जर्ड, क्योंकि गाइस जो चार्जर्ड है वो दो राउंड में विनर हो चुका है एंड जो सिल्ड्रेस है वो अभी तक एक भी राउंड में विनर नहीं बना है, इसलिए हमारा विनर होता है चार्जर्ड। सो गाइस अगर आपको ये फैसला अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन भी चूज कर लीजिएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हम आज के पोकेमोन की। तो गाइस बताइए कि ये कौन सा पोकेमोन है जिन 5 यूजर्स ने सबसे पहले जॉब दिया उनका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। एंड किस ऐसे ऑप्शन वीडियोस के लिए यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। I have you now.